हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं ड्यूटी से रिटर्न हूँ और आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे बादल एकदम छाए हुए और एकदम बारिश हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ यहाँ अस्पताल गवर्नमेंट का कितना बड़ा और क्यों आज, क्योंकि मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ। आप लोग मेरे पीछे साइड में देख रहे हो कितना बादल छड़ा हुआ है, बारिश हो रही है। तो दोस्तों, ये वो हॉस्पिटल है अल हबीब, ये इसका नाम अल हबीब है और ये अस्पताल जो है फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, पूरा फ्री इलाज होता है। टू डे जेंट्स हो, बॉय हो, कोई भी आदमी हो, यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा है। यहाँ पे एमरजेंसी मतलब बहुत बड़ा है, आप लोगों को इस साइड से दिखा रहा हूँ। ये इधर से है और जितना लंबा है उतना ही नीचे भी है। आप लोग इधर देख रहे हैं जहाँ तक है, जहाँ तक वो बड़ी वाली मशीन लगी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि भाई एक नई नई वीडियो लेके आता रहता है। तो दोस्तों आज मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम है सोईडी और एक जस्ट डायरी के बगल में। अल हबीब तो रियाद में बहुत जगह होंगे, लेकिन यह अल हबीब जो है बड़ा है और ये सोईडी में है, बहुत ही बड़ा अस्पताल। दोस्तों, आज यहाँ पे दो तीन दिन से बहुत ही दोस्तों बारिश हो रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी हवा चल रही है। दोस्तों, हवा चलने की वजह से थोड़ा आवाज़ जो है चला रही होगी, बराबर नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन जो है इस रोड पे हम बहुत अल चलते हैं सोईडी में, क्योंकि मेरा काम सोईडी में ही ज़्यादा रहता है और जो है मेन ताका सूसी में और उस सारे एरिया में 12-13 नंबर पे बहुत कम, क्योंकि सोईडी में मेरा काम बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि इधर ही ज़्यादा काम मेरा रहता है। ताका सूसी में जैसे चलता हूँ, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन मतलब बने हुए हैं, 3 दिन चलता हूँ उधर और ज़्यादातर इधर ही मेरा काम सोईडी में, इधर बताहा साइड और जो है इधर मतलब लोकल सिटी में ज़्यादा रहता है। उधर सिटी में मेरा हफ्ते में 4 दिन रहता है, इधर 3 दिन इधर 4 दिन उधर, तो ऐसे ही डिपार्ट बता हुआ है, क्योंकि मेरा काम बहुत ही ज़्यादा इधर चलता है। अभी देख रहे हो आप लोग ड्यूटी से रिटर्न, अभी ये गाड़ी पे मैं ऐसे अभी पार्किंग में डाला हूँ, राइट साइड रोड के किनारे पार्किंग लग बनी हुई थी। तो यहाँ पे मौसम देखा, हल्की सी भी बारिश हो रही है, गाड़ी पे बूंद गिर रहे हैं, तो हम ऐसे खड़े हो गया और शाम का मौसम अभी हुआ है, करीब 6:30 बज चुके हैं, नहीं 6:30 नहीं, अभी 5 बज चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं एकदम अंधेरा सा छाया हुआ है, क्योंकि इतना आज प्यारा मौसम है, जैसे लग रहा है पूरा बादल ही फट जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे कितना भी 5 बज रहा है लेकिन कितना अंधेरा सा हो गया। तो दोस्तों, मैं आप सबको इसके आगे लेके चलता हूँ, इसके आगे कार फोर है बड़ा, तो आज उसमें चलेंगे। अभी मैं थोड़ा सामान लूँगा, उसके बाद फिर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों आज है मंडे, आज वैसे होते में ज़्यादा ऑफर लगा होगा, तो आज हो सकता है इसमें भी जा सकते हैं उसमें, लेकिन अभी गाड़ी में बैठने के बाद फिर देखता हूँ किस में चलते हैं, होटल में चलते हैं या कारपोर में चलते हैं। तो ड्यूटी से मैं रिटर्न हो रहा था दोस्तों, तो मेरे को ये जगह बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि मैं रोड से गुजरता हूँ, लेकिन सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो आज बना ही लेता हूँ। आज डर डर के मैं वीडियो बना रहा था यहाँ पर, क्योंकि ये रोड अभी चलता फिरता है दोस्तों, क्योंकि मैं यार बहुत डर डर के वीडियो बना रहा हूँ, आज इसे बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, बस हकीकत बात है दोस्तों, क्योंकि आज मुझे बोलने की इच्छा भी मालूम नहीं कितना, दिमाग को अलग ही मूड में चल रहा है सुबह से, क्योंकि आज सुबह से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया और मैं ऐसे सोच रहा था बनाऊँ या ना बनाऊँ, आज बोलने की इच्छा, सोच कहते नहीं, आज दिल से जब इच्छा नहीं करती तो कुछ भी नहीं होता, तो आज दिल से इच्छा नहीं कर रही थी बस बनाने के लिए, इसकी वजह से आज मैं डर डर के वीडियो बना रहा था, क्योंकि बस ऐसे ही दिमाग आज अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ आगे और ये रोड का आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये रोड इसके आगे जो रोड है बहुत ही दूर में है, आप लोग देख रहे हैं पूरा रोड खाली है, रेड लाइट बंद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया करो यार मेरे दोस्त, क्योंकि भाई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो दोस्तों, अभी बारिश होने लग गई, अब मैं चलता हूँ, या तो कार फोर में चलेंगे या तो फिर होते में,
वतन तो पीछे है, बस आगे से यू टर्न मारूंगा फिर वतन में चला जाऊंगा और वहीं पर फिर नागपुर में अभी ज़्यादा देर बारिश होने लगती है दोस्तों, देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो छींटे पड़ रहे हैं ये, अब मेरे यहाँ पे भी पड़ा है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्त मेरे जितने फ्रेंड हैं उनके लिए सबके लिए दिल से शुक्रिया। और तो आप लोग इधर का नज़ारा देखिए तो कितनी स्पीड से गाड़ी गुजरेगी यहाँ पे। तो हम भी इशारे से इशार जाने वाले हैं, या तो यू टर्न मारेंगे वतन जाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।